मुझे हार्डेस्ट हर्निया एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम थी पिछले 4-5 साल से। कल मेरा सर्जरी हुआ, मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं आया। घुमा फिरा, मैं थोड़ा सा लिक्विड भी लिया मैंने 3-4 घंटे के बाद में, अभी तक मुझे कोई परेशानी नहीं आया। और सुबह में डिनर भी किया मैंने, अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी सर्जरी को 6 महीना हो गया। मैं कोई भी अभी तक दवाई नहीं ले रहा हूँ। 6 महीने हो चुके हैं और खाने पीने में मुझे कोई परेशानी नहीं आई, सब कुछ खा पी रहा हूँ मैं। मेरा नाम खगेंद्र है, मैं मथुरा जिले का रहने वाला हूँ, यूपी से। मुझे हार्डेस्ट हर्निया एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम थी पिछले 4-5 साल से। मैंने काफी डॉक्टरों को दिखाया, उसके बाद मुझे गूगल के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से डॉक्टर चिराग ठक्कर जी के बारे में जानकारी हुई। मैं इनसे मिलने आया और इन्होंने मुझे एक टेस्ट के लिए बोला जिसका नाम मैनोमेट्रिक टेस्ट है, जो pH स्टडी होता है। वो मैंने कराया, कराने के बाद उसका रिपोर्ट आया। उसमें डॉक्टर साहब ने मुझे सजेशन दिया कि आपको सर्जरी कराना पड़ेगा। तो मैंने सर्जरी के लिए डॉक्टर साहब को हाँ कर दिया। उसके बाद मेरा कल सर्जरी हुआ रात को, शाम को। और सर्जरी के बाद 2-3 घंटे बाद मुझे थोड़ा सा घुमा फिरा, उसके बाद लिक्विड लिया मैंने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और अच्छे से नींद भी आया, कोई एसिड नहीं हुआ ना, कोई सांस में प्रॉब्लम हुआ, अच्छे से नींद भी आया मुझे। उसके बाद सुबह मुझे पानी भी पिया मैंने, नाश्ता भी किया सुबह का। उसके बाद दोपहर में मुझे डिनर मिला खाने के लिए, उसके बाद में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ अभी तक। और आज मुझे यहाँ से छुट्टी मिली है, मैं आज यहाँ से जाने वाला हूँ। मेरी सर्जरी को अभी 2 दिन हुए हैं। मैं 2 दिन के बाद क्लिनिक आया हूँ डॉक्टर साहब से मिलने के लिए। और मुझे ना तो कोई खाने पीने में कोई अटकन आ रही है, ना कोई परेशानी हो रही है। 2 दिन के बाद मुझे आज यहाँ से छुट्टी मिल रही है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। नमस्कार। मेरी सर्जरी को 6 महीने हो चुके हैं। मैं 6 महीने के बाद डॉक्टर साहब को फॉलोअप के लिए आया हूँ। अभी तक मुझे कोई भी परेशानी नहीं है 6 महीने में, ना मैंने कोई एंटासिड एक भी दवाई ली है, और खान पीन में भी कोई मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही, सब कुछ खा पी रहा हूँ मैं। ना मुझे कोई दर्द है ऐसा, ना मुझे कोई एसिडिटी की ऐसी प्रॉब्लम दिख रही है। 6 महीने के बाद भी एकदम ठीक हूँ मैं। आज डॉक्टर साहब को फॉलोअप के लिए आया हूँ 6 महीने के बाद में, और अभी तक कुछ ऐसा परेशानी मुझे लग नहीं रही।